ये तो क्या लड़की जैसा डांस करता है, लड़की जैसा डांस करता है। दासी, दासी, दासी। बच्चे इंडिया याद आता है? हाँ बहुत ज्यादा। क्यों या क्या याद आता है? फूड याद आता है? पानी पूरी। पानी पूरी या नहीं मिलता? बर्गर। बर्गर घर का मिलता है, घर में बनाना पड़ता है। प्रमुख स्वामी स्ट्रीट है, जो अपने फेमस प्रमुख स्वामी है उनके नाम पर स्ट्रीट का नाम रखा हुआ है। और यार मैं बोल सकता हूँ ये मिनी इंडिया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस काफी सारे हैं, रहते भी हैं और बहुत सारे मंदिर हैं। तो अयोध्या यूपी से। अच्छा मेरे को पहली बार को यूपी का मिला है यहाँ पर। आप क्या करते हो यहाँ पर? जॉब करते हो? तो गुजरात वाले सारे बिजनेस ही करते हैं। सो गाइज आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने डोमेन में अच्छा काम कर रहे होंगे। और यार आप किसी भी कंट्री में हो, आप कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, हर कंट्री में मंदिर और मस्जिद अपने को मिल जाएंगी। यार अभी मैं हूँ तंजानिया में, ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया कंट्री में हूँ। और भाई ईस्ट अफ्रीका मैंने लगभग घूमा है, मैंने हर जगह मंदिर देखे, और तंजानिया में तो यार पूरा एक वो होता है ना जोन होता है, आप कहीं जाते हो कि ऑफिसेज का जोन है, हर टाइप की कंपनीज है उधर। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं एक ही लोकेशन पर, तो मैं एक एक करके विजिट करने वाला हूँ। आप बने रहना इस वीडियो में, और यार मैं आपको दर्शन कराता हूँ ईस्ट अफ्रीका से, लाइव दर्शन कराता हूँ। जो मैं फर्स्ट मंदिर विजिट कर रहा हूँ वो है स्वामी नारायण जी का मंदिर। अगर स्वामी नारायण जी के मैं बारे में बताऊं तो आप गुजरात साइड जाओगे तो आपको जो इनका जो पहला मंदिर है वो वहीं मिलेंगे, बड़े बड़े मंदिर वहीं मिलेंगे। और उसके बाद गुजराती भाई जहाँ जहाँ गए हैं भाई, उन्होंने हर जगह पे स्वामी नारायण जी के मंदिर बनाए हुए हैं। क्योंकि यार मैं रवांडा में था, मैंने वहाँ भी स्वामी नारायण जी का टेम्पल विजिट किया था। युगांडा में था, मैंने वहाँ भी विजिट किया था। और अभी मैं हूँ तंजानिया में, तो तंजानिया में भी मैं विजिट कर रहा हूँ। और देखो इधर ये बच्चे खेल रहे हैं। What's your name? Manan. Manan? Yes. हिंदी आती है? हाँ. हिंदी आती है? अच्छी आती है हिंदी? हाँ. इंडिया जाते हो? हाँ. कितने टाइम में? पता नहीं. इधर दो शैतान और बैठे हैं। शैतान का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ. क्या होता है शैतान का मतलब? डेविल. डेविल? हाँ. शरारती जो बच्चे होते हैं ना उनको शैतान बोलते हैं। आप शरारती हो? नहीं, नहीं करते शैतानी? ये शैतान शैतानी करता है? नहीं नहीं, ये भी करता है, ये मुझे मार लेता है, ये मारता है, ये अच्छा करता है, जलवा है हमारा, सबसे अच्छा ये करते हैं, फिर कहते हैं जलवा है हमारा, मैं करूं? अरे वाह, ये तो क्या लड़की जैसा डांस करता है, लड़की जैसा डांस करता है, नहीं, लड़ाई नहीं करने का ये बच्चा है अभी बच्चा? अभी टिकटॉक की रील्स बनाता है, ये बच्ची टिकटॉक पे, टिकटॉक स्टार हो तुम? टिकटॉक स्टार हो? कौन है टिकटॉक स्टार ये? हम इंस्टाग्राम। इसको फिर इसको क्यों पिटाई करते हो बेचारे की? बेचारा इसकी सारी ग्रुप हमारे पास आ गई है, हमको तुमसे। अच्छा मारपीट करते हो, ग्रुप रखते हो? ये इनकी ग्रुप है तुम्हारी, छोटी ग्रुप है? छोटे बच्चों का ग्रुप है अलग से? अच्छा कितने लोग हो तुम ग्रुप में? 10। 10 लोग हो? तो कभी इनसे लड़ाई की है तुमने इस वाले ग्रुप से? पिटाई कर दी? चाटे भी खाए हैं। ये बोल रहा है आपने खाए? मम्मी के पास डर के गया चाटे खाने। ये यार इंडिया वाले कहीं चले जाओ, इंडिया वाली मस्ती करते हैं बच्चे। इंडिया याद आता है? हाँ बहुत ज्यादा। क्यों या क्या याद आता है? फूड याद आता है? पानी पूरी। पानी पूरी या नहीं मिलता? बर्गर। बर्गर घर का मिलता है, घर में बनाना पड़ता है। अच्छा यहाँ घर में बनाते हो, वैसे नहीं मिलता? नहीं। वहाँ तो अपने स्ट्रीट पे मिल जाता कहीं भी। आपको इंडियन लोग देखेंगे, इंडियन लोगों को कुछ कहना चाहोगे आप? हाय बाय कुछ तो बोल दो। अभी इंडिया आएगा? इंडिया आओगे? नेक्स्ट ईयर। आप कब आओगे? मेरा भी next मैं मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? सबसे ज्यादा तुम ही आओगे वीडियो में। ऐसे पड़ता है कि मेरे के पीछे। और एक चीज, सब्सक्राइब करना, लाइक भी। किसको? सब्सक्राइब चैनल का और लाइक। मतलब यहाँ मैंने मंदिर में ये देखा है कि आप किसी भी जोन से आते हो इंडिया में, किसी भी साइड से आते हो इंडिया में,
अपने जो मंदिर होंगे ना यहाँ पे, उनके हर देवी देवता की मूर्ति मिलेंगी। इधर शिव शंकर जी हैं भाई इस साइड में, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। मैं डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहता अंदर, तो इतना मैं बिल्कुल धीरे धीरे बात करूँगा अंदर जाकर। तो भाई स्वामी नारायण मंदिर के बाद में, अभी मैं आपको बताया था कि यह एक लोकेशन है जहाँ पर पूरे मंदिर ही मंदिर है लाइन से। मैं सब मंदिर को, यार मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, सब मंदिर को मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, बट मैं जितना होगा ना उतना मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा। इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है मंदिर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मंदिर है ना, हर मंदिर में हर टाइप के देवी देवता अपने को देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओगे और किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो इंडिया में, तो आप जा सकते हो और प्रे कर सकते हो उस मंदिर में। बाकी मंदिर तो मंदिर होते हैं, मैं उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल तो क्या ही बताऊँ आपको। तो ये है भाई, आप यहाँ अगर तंजानिया में है, दर इस्लाम में है, तो इस लोकेशन पे आओ। इसको क्या नाम है इस जगह का? प्रमुख स्वामी स्ट्रीट है, पर जो अपने फेमस प्रमुख स्वामी है उनके नाम पर स्ट्रीट का नाम रखा हुआ है। और यार मैं बोल सकता हूँ ये मिनी इंडिया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस काफ़ी सारे हैं, रहते भी हैं, और बहुत सारे मंदिर हैं। तो चलो, सेकंड जो अपना मंदिर है वो है भाई ये पंजाब हिंदू स्त्री सत्संग मंदिर है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। तो भाई जो थर्ड मंदिर है वो है यहाँ, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, श्री दरे सलाम ब्रह्म मंडल। और अपन अंदर चलते हैं। अभी जो फोर्थ मंदिर है ना वो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, श्री स्वामीनारायण मंदिर। बट भाई किसी फंक्शन के कारण मैं वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही हैं। ये अपने साथ एक भैया हैं, ये बताएंगे कि किस कारण से यहाँ पर एंट्री अभी क्लोज है। टाइम में है वो सेलिब्रेशन? वो अभी 11 तारीख को बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो भाई 11 तारीख तक यहाँ पर सेलिब्रेशन है। तो मैं सिर्फ अंदर के आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ कि मंदिर किस टाइप से। तक हम चार मंदिर विजिट कर चुके हैं, और भी हैं यार गली में बहुत सारे हैं, बट नाइट का टाइम हो चुका है। और सेम है, मतलब आप किसी भी मंदिर में जाओ तो सभी देवी देवता ही हैं ही। तो मैं सिर्फ एक स्ट्रीट के मंदिर को कवर कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से मंदिर अवेलेबल है। बाकी डिटेल आपको भाई ने बता ही दी है कि कौन सी स्ट्रीट पर आना है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर बस का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, आप किसी भी पार्ट में हो तो बस की टिकट लो, डायरेक्ट आओ स्टैंड से। स्टैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है मंदिर। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई इवेंट होता है ना, तो इंडिया की जो जितनी भी कम्युनिटी रहती है ना आसपास, सब लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं। चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, सब लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और उस इवेंट को सक्सेस बनाते हैं। क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो है नहीं कि यार कि 100,000 है उनमें से थोड़े बहुत लोग आ गए और काम चल गया। यहाँ इतने लोग रहते हैं, उन सबको आना पड़ता है और अपना टाइम देना पड़ता है और प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और उसके बाद में वो इवेंट सक्सेस होता है। जो तो यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट होते रहते हैं। एक भैया ने मेरे को बताया कोई कव्वाली का भी प्रोग्राम है इधर आज, बट वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा आज रात को मैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि आज रात को इंडियन टेम्पल्स को विजिट करूँगा नाइट में। इसलिए क्योंकि नाइट के टाइम में यहाँ अपनी जो कम्युनिटी होती है इंडियन लोग, वो आते हैं और भजन होते हैं, कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं कुछ। भाई अभी श्री रामदेव जी के मंदिर में हूँ, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था पीछे की साइड में भजन चल रहे हैं, ये पीछे मंदिर है पूरा। और यहाँ पर हर शुक्रवार को भजन होता है और उसके बाद में खाना भी होता है। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो कुछ लोगों से मिला था, तो उन लोगों ने ये बोला कि आप यहाँ खाना खाकर ही जाना और यहाँ पर भजन भी होंगे। तो यार जब भजन हो रहे थे ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम इतने बिजी हैं ना लाइफ में कि इवन मैं इंडिया में भी होता हूँ तो इतना नहीं जा पाता मंदिर में। बट आज मैं ट्रैवलिंग पे हूँ और मैं इधर आ गया था, तो यहाँ का जो भजन चला है ना, जो कार्यक्रम, उसमें मैंने मतलब पूरे टाइम था और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि यार पूरी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर, और कोई भी हो साथ में, जब इतने लोग होते हैं ना एक साथ में, इतने लोगों की गैदरिंग होती है और वो मतलब अपने प्रभु का नाम स्मरण करते हैं,
अपने भगवान का नाम लेते हैं यार, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर हूँ अभी और मैंने आपको दिखाया है, मैंने लगभग सारे टेम्पल यहाँ के विजिट कर लिए हैं। ये मेनली है ना, ये स्ट्रीट है फूड के लिए। अगर आपको तंजानिया में तंजानिया के दर एस सलाम सिटी में है और आपको फूड एंजॉय करना है इंडियन फूड, तो आप इस स्ट्रीट पर आ सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। इसको डाउनटाउन एरिया बोलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं होगा। हेलो भैया। मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से? हाँ, तो क्या आप? आप गुजरात से? हाँ, मैं गुजरात से। कोई मैसेज इंडियंस के लिए? अरे अब कहाँ पे आपको वो बोलो ना तो हम मैसेज देते हैं। आपका यूट्यूब दी हिंद ट्रैकर। तो भाई बातों बातों में दो गुजरात के और बिजनेसमैन हमें मिल गए यहाँ पर। आप कहाँ से? अयोध्या, यूपी से। अच्छा, मेरे को पहली बार कोई यूपी का मिला है यहाँ पर। आप क्या करते हो यहाँ पर? जॉब करते हो? तो गुजरात वाले सारे बिजनेस ही करते आपके तो जो ब्लड में होता है ना, मतलब ब्लड में बिजनेस ही होता है आपके। छोटे छोटे बच्चे बिजनेस की बातें करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? चिराग पटेल। चिराग आपका? सत्यम वर्मा। सत्यम, तो भाई एक गुजरात के भैया हैं, एक यूपी के हमें मिल गए हैं। भैया यहाँ पर क्या काम करते हो आप? मैं अभी तो क्या है, हमारा बिजनेस है एल्यूमिनियम पोर्ट। एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम पोर्ट का। और ये भैया जॉब करते हैं, किस सेक्टर में करते हो आप? मैं अपना साइकिल लाइन में। साइकिल लाइन में? ये भाई साइकिल लाइन में बिजनेस करते हैं। भैया यहाँ पर कितने ईयर्स हो गए आपको आए हुए? मेरा इधर 11 ईयर्स हो गए। 11 ईयर्स हो गए। तो अभी इंडिया को मिस करते हो? अभी मिस करता हूँ, अभी लास्ट मंथ ही जाके आया। लास्ट मंथ जाके हो? कितने टाइम में जाते हो आप इंडिया? मैं सालाना एक बार जाता हूँ। साल में एक बार जाते हो? कुछ फैमिलीज मेरे को मिली हैं जिनको जाए मतलब इंडिया गए हुए 8-8, 10-10 साल भी हो गए हैं। हो सकते हैं वो यहीं के हो गए, इधर के हो गए, वो सिटीजनशिप उनको मिल गया होगा इधर से। तो यहाँ पर कुछ जैसे आप बिजनेस करते हो तो हार्ड है क्या, मतलब तंजानिया में आके बिजनेस करना अगर कोई चाहे तो? हार्ड भी है, कर सकते हैं वो भी, क्योंकि देखो एफर्ट्स तो लगते हैं अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं ना। एफर्ट्स काम करने में एफर्ट्स है लगता है, क्योंकि हर जगह अपने को अपना कोई नहीं मिलेगा कि वो हेल्प कर दे इधर। सब कुछ अपने को करना होगा, सब कुछ अपने को करना। नए लॉज होंगे गवर्नमेंट के, उनको भी देखना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है इधर का, सब कुछ रहता है। तो खाने पीने का तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इंडियन स्ट्रीट है, मिनी इंडिया यहाँ पर बसा हुआ है, सब टेम्पल्स है, ये तो इंडिया ही लग रहा है पूरा इधर। आपने पूरा इंडिया बसा दिया। मेरे को सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना वो ये है कि मतलब इंडिया जितनी बड़ी कम्युनिटी तो नहीं है, छोटी कम्युनिटी यहाँ पर इंडियंस की, बट जिस हिसाब से टेंपल्स को मेंटेन कर रखा है और इतने सारे टेंपल हैं, कुछ लोग ऐसे सोच जाते हैं ठीक है दो टेंपल हैं यही काफ़ी हैं, इतने सारे टेंपल्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, लोग टाइम भी देते हैं। मैंने देखा कि इतना सब बिजनेसमैन है, लोग बोलते हैं बिजनेसमैन बहुत बिजी रहते हैं बट यहाँ आके बहुत टाइम देते हैं, ये चीज़ मैंने देखी अब जो की। तो ये हम इंडियंस के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि किसी दूसरी कंट्री में हमारे भाई लोग रहते हैं जहाँ पर और इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, हमें प्राउड फील करवा रहे हैं भाई वो लोग। तो भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। भाई सब लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं, जैसे ये भैया मिले हैं ना, सब लोग ऐसे ही हैं और माहौल बहुत अच्छा बना रखा है भाई। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब किसी नई कंट्री में हो आप। सबसे जो मैंने वहाँ भी ये बात बोली है कि सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना मेरे को ये लगी कि ये लोग टाइम देते हैं चीज़ों को, अपने बिजनेस को भी मेंटेन कर रखा है। रियल एस्टेट में अगर आप देखो ना तो टॉप बिजनेसमैन जो यहाँ के हैं ना वो इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इंडियंस की हैं। चाइना अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है बट एज ए बिजनेस मैंस देखें ना तो इंडिया के बिजनेस मैन यहाँ पर टॉप कर रहे हैं यहाँ तंजानिया में। और सेम कंडीशन अगर आप सेम चीज़ें हैं ना मैंने वहाँ पर युगांडा और रवांडा में भी देखी थी भाई। तो 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है अभी और मैं देखो अभी रोड पे ही घूम रहा हूँ इधर। यहाँ का बसेस का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो मेरे को कभी ये फील नहीं होता कि यार कैसे पहुँचूँगा कैसे नहीं। आपको भी पता है यार कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो अभी नाइट रात का टाइम है, अराउंड 10:30 बज रहे हैं, रवि मैं अपने होस्ट के घर जा रहा हूँ। तो एफर्ट्स बहुत लगते हैं यार, दूसरी कंट्री में जाते हैं कंटेंट बनाते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। मैं आशा करता हूँ आप कंटेंट को लाइक करेंगे और आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए यार मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे एंड जय हिंद। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।